भगवत प्रेम जिस्त हो गया है उनको ये समझना कोई आवश्यकता है नहीं कि भगवान कितना बड़ा है। भगवान तो वो जानते ही नहीं ये भगवान। जैसे जसोदा माँ, जसोदा माई जब कृष्णा पुतना को मार डाल तो जसोदा माई उस वक्त पहुंची है तो
दशरमाई समझते हैं जो कोई दैवी शक्ति हमारे दिलेर का है उसको रक्षा की। वो नहीं समझती है ये बालक जो है ये शिशु बालक जी में किसान भगवान उनको कोई जानने का आवश्यकता नहीं। जिंदा असल जो चीज है प्रेम वो उनको भीतर इस साधारण के जो कि भगवान को मनुष्य समझता अब जानती मान मूढ़ा मानसुम तनुमान साधारण व्यक्ति जिसको ज्ञान है नहीं परम भाव में जान जो कि भगवान का परम भाव समझते नहीं वो कृष्ण का ऐसी कोई साधारण व्यक्ति समझता हमारा ही ऐसे कोई होगा ज्यादा कुछ पावर है नहीं। इसका नाम है कूपमंडूक न्याय कुआ का मेढक कुआ का मेढक वो 3 फुट पानी में उसको अवस्थान है वो क्या समझेगा कि प्रसाद तो महासागर क्या थी वो खाली सोचते ही जाएगा कोई अगर प्रसाद तो महासागर कभी देखा नहीं तो उनको कहे कोई दे कि देखो जी एक बड़ा भारी समुद्र देखता है वो तो कभी देखा नहीं बोलते कितना भारी ये जो 3 फुट पानी हम रहते हैं इससे कितना ज्यादा कितना हो और थोड़ा 2-4 इंची ज्यादा 10 इंची वो सोचते ही रहे ऐसा 2 इंची 4 इंची 10 इंची बाकी उसको कभी समझ में नहीं आएगा कि प्रशांत महासागर क्या थी। इसलिए जो मूर्ख होते हैं वो कृष्ण को साधारण मनुष्य समझते हैं और नहीं तो कोई समझ लिया कि कोई महान पुरुष होगा ऐतिहासिक बाकी वो जो स्वयं भगवान है वो उनको दिमाग में घुसता इसलिए उनको समझाने के लिए भगवान को अपनी महिमा बता रहे हैं भूमि रपान लो वायु हंगमन बुद्धि अहंकार इतिहास में भिन्ना प्रकृति अस्तधा जी भगवान तात्विक आप लोग को समझा रहे ये जो भूमि मट्टी है और जल है भूमि अपानला अग्नि भूमि अपानला वायु और वायु हवा और अहंकार अहंकार जो हम लोग अभी समझते हैं कि मैं हूं इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी मैं हूं सब कोई अपना अहंकार है अरे मिथ्या अहंकार बात से भी ये चीज मैं हूं नहीं कोई भूमि अब अनल वायु का एक आवरण है ये जो शरीर ये शरीर भूमि अपनल वायु तेज बारिमित विनिमयम भागवत में कर जो अग्नि जल और मट्टी इसको मिला करके एक वस्तु जो है कोई शरीर ये सर दुनिया ही यही हमारा शरीर नहीं आपका शरीर नहीं सारा दुनिया यही चीज है यही भूमि रप आनल वायु कहीं भी जाए यही सब चीज मिल करके ये शरीर भी होता है और मकान भी होता है और पहाड़ भी होता है जो कुछ आप भौतिक चीज आप देख रहे हैं ये बस इसी का समावेश एकत्रित मिल करके। इसलिए जो लोग मूर्ख होते हैं वो समझते हैं ये भूमि अप अनल वायु ये मट्टी जल अग्नि वायु ये सब मिल करके एक परिस्थिति में उसका जीवन बन जाता ये आत्मा कोई चीज है ये बड़े बड़े सब जो पाश्चात्य दार्शनिक है वो दार्शनिक लोग यही विचार करते हैं
जी मट्टी से जल से ही आत्मा पैदा होता है, आत्मा और कोई अलग चीज नहीं। और ये बुद्ध, बुद्ध का भी यही विचार है, जो मट्टी जल पानी अग्नि हवा ये सब मिल करके एक परिस्थिति हुई है, इसको तोड़ दीजिए, ये जो सब अलग अलग हो जाएगा, फिर सुख दुख का अनुभव नहीं। क्योंकि भगवान कहते हैं नहीं, ये जो मट्टी जल अग्नि वायु और सुख के अहंकार बुद्धि मन स्थूल और सुख, ये शरीर है स्थूल और इसका भीतर में एक सूक्ष्म शरीर होता है, वो सूक्ष्म शरीर क्या चीज है, मन बुद्धि अहंकार। ये शरीर स्थूल शरीर जब नष्ट हो जाता है तो वो जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जीवात्मा रह जाता है, वो सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार फिर उसको और दूसरा शरीर दिलाता। जैसा गुलाब का खेत से यदि हवा बहती है वायु तो उसका सुगंध ले जाता है, और पखाना का जो हवा है वो दुर्गंध ले जाता है। इसी प्रकार इस जीवन में मैं जैसा कर्म कर रहा हूं उसका सुगंध दुर्गंध वो मन बुद्धि अहंकार वो उसको ले करके और दूसरी शरीर उसको प्राप्त हो, ये जन्मांतरवाद। कर्मणा दैवनेत्रेणा, कर्मणा दैवनेत्रेणा जंतर देह उपपत्ति, अपना कर्म कारण, इसलिए कर्म अच्छा करना चाहिए। उस विषय में भगवान बताया है, जानती देव व्रता देवान पितरी जानती पितरी व्रता भूते जा जानती भूतानी मत जाजिनोपी जानती माम। बड़ा सरल है, इस जीवन में जैसा कर्म कीजिएगा, यदि देवता को अर्चन कीजिएगा, अनेक देवता है तो जानती देव व्रता देवान, तो देवलोक में आप जाइए। पितरी जानती पितृव्रता जो श्राद्धादि होता है, हाँ वो श्राद्ध करके पितृलोक को संतोष करते हैं, वो पितृलोक में जाएंगे कर्मकांड विचार। और जो भौतिक है इस दुनिया में परिश्रम करते हैं तो इस यही रहेंगे, चाहे मनुष्य शरीर है कि जानवर शरीर है कोई भी शरीर है। और भगवान कहते मर जा दिनों अभी जानती माँ, और जो हमारा भक्त है केवल हमारा ही सेवा में निजुक्त है वो हमारे पास आए, ये बात नहीं है जैसा मूर्ख लोग कहते हैं किसी प्रकार कोई भी काम करो आगे जाके सब भगवान मिल, ये भगवान इतना सस्ता नहीं है। जैसा बड़ा मिशन कहते हैं जतो मत ततो, कोई भी मत आप निकाल लीजिए और अपना काम कीजिए भगवान के पास पहुंच जाएगी, ये तो भगवान बन गए, ये सब धोखाबाज। भगवान जो कहते हैं हो जो जानती देवव्रता देवान, तो देवव्रता देवान जो सबसे उच्च लोक है ये भौतिक जगत में ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक का विषय अब भगवत गीता में भी कहते हैं सहस्र युग पर्यन्तम अरहद्यत ब्रह्मनो विदु, ये जो हमारा युग होता है सत्त्व त्रेता द्वापर कलिंग, ये चार युग में इसको युग कहा जाता है, दिव्य युग चतुर्युग ऐसा अलग अलग नाम है, इस प्रकार हजार चतुर्युग में ब्रह्मा का एक दिन है जो कि हमारा 12 घंटा है, समझ लीजिए सवेरे सूर्योदय तक, सूर्योदय से शुरू करके और शाम को सूर्यास्त तक 12 घंटा समझ लीजिए, कभी 13 होता कभी 14 होता, तो साधारण 12 घंटा
ये जो ब्रह्मा जी का 12 घंटा है वो हमारा जो चतुर्युग है सत्यता दापर कली ये सब मिल करके 1000 गुण करने से ब्रह्मा जी का 12 घंटा। अब समझ लीजिए उसका आयु 100 वर्ष है तो कितना लंबा लंबा उनका दिन रात महीना बरस। तो ब्रह्म लोक में जाने से जैसे ब्रह्मा जी का आयु है वो आपको मिल सकता है, चंद्रलोक में जाने से आपको 10,000 वर्ष परमायु मिल सकता है, परंतु मरने होगा ये बात नहीं। ब्रह्मा जी को भी मरना है और हम लोग को भी मरना सब। इसलिए भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवनालो का पुनरावर्तन। अगर ब्रह्मलोक में भी जाओ स्वर्गलोक चंद्रलोक महोलोक जनलोक को तो बात ही नहीं, सबसे जो आगे है वो ब्रह्मलोक में भी जाओ तो अब्रह्म भुवनालो का पुनरावर्तन कोई आवागमन उसमें लगा रहा। और यदि हमारा धाम में आओ तो फिर पुनर्जन्म न विद्यते जदगत्या न निवर्तन्ते। इसलिए मनुष्य जीवन को चाहिए कि इसी जीवन में भगवत भक्ति को अच्छी तरह से पालन करके भगवान का पास चले। ये सब जानते ही नहीं, भगवत गीता में सब कुछ बताया हुआ, ये तो आदमी इसमें ध्यान देता नहीं और नहीं तो जानते ही। बाकी सब चीज भगवत गीता में बताया, केवल उसको अच्छी तरह से समझ करके और अगर काम किया जाए कि इसी जीवन में हमारा जीवन सफल हो जाए। जीवन सफल क्या, मैं जीवात्मा भगवान का अंश स्वरूप, भगवान जो वस्तु है मैं भी वही वस्तु है, भगवान विभू मैं अनु, किसी तरह से मैं भौतिक जगत में फंस गया, यही बात। और इससे उद्धार हो करते फिर हमारा जो सच्चिदानंद शरीर है उसको प्राप्त करके फिर भगवान के पास जा करके अच्छी तरह से रहो। जद गत्या न निवर्तन्ते तद धाम परम मम नित्य काल नित्य नित्यानाम। वेद में कहते हैं भगवान नित्य वस्तु है, हम लोग भी नित्य वस्तु है, तो फिर क्यों अनित्य संसार में हम लोग इधर इतना तकलीफ उठाकर ये दिमाग में घुसता। इसका नाम है पशु जीवन। देखिए पशु का दिमाग में घुसता नहीं कि क्यों इतना परिश्रम कर रहे हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति ये जिज्ञासु नहीं है जो हम दिन भर क्यों परिश्रम करते हैं और भगवान का विषय में बिल्कुल ध्यान नहीं है तो वो पशु ही है, समझ ली, वो पशु ही, उसको पशु ही कहा जाता। आहार निद्रा भय मंथन। इसलिए भगवान खूब विश्लेषण कर, जिसका अंग्रेजी में कहते हैं एनालिसिस, एक एक पुंख पुंख विचार करके समझा रहे हैं कि ये जो दुनिया है पांच भौतिक भूमि अपान वायु खंग मन बुद्धि, पांच भौतिक वो स्थूल है और सुख भौतिक है मन बुद्धि अहंकार। तो भगवान कहते हैं इति अंग में भिन्ना प्रकृति अस्तधा, ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है ये हमारा ही चीज है, थोड़ा अलग। जैसा उदाहरण छोड़ो, जैसे आप लोग को हम सुना रहे हैं और टेप रिकॉर्ड पे ये सब जो वचन है वो सब रिकॉर्ड हो जाए। वो टेप रिकॉर्ड पर जब प्ले रिप्ले किया जाएगा मालूम होगा मैं ही बोल रहा हूं, भाई मैं हमसे वो अलग, वो चीज अलग है। यद्यपि शब्द से मालूम होगा कि मैं ही बोल रहा हूं, इसी प्रकार ये जो भौतिक जगत है ये क्योंकि भगवान परम सत्य वस्तु है
और उनकी प्रकृति से भिन्ना प्रकृति द्वारा ये प्रस्तुत है, इसको बनाया गया है, मालूम होता है ये सत्य। बाकी भगवान कहते हैं भिन्ना। ओम तत्सत, चिद वस्तु सत है, अचिद वस्तु सत नहीं है। सर्वविकार संपन्न, सब प्रकार का विकार हो, जन्म होता है, स्थिति होता है, वर्धन होता है, अपक्षय होता है, परिणाम होता है और नष्ट होता है। जैसे हमारा शरीर, आपका शरीर, माँ का गर्भ में बहुत छोटे से देखा, समझ लीजिए एक चला का ऐसे पहले शरीर होता है, फिर आस्ते आस्ते बढ़ती है, उसमें सब छेद होता, छेद होगा अगर नाक कान ये सब बन जाता है, नौ छेद हो, फिर वो शरीर बढ़ता है, बढ़ते 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 जब पूरा हो जाते हैं तब माँ का गर्भ से निकल आता है, फिर अपना काम शुरू हो जाते। तो ये जो शरीर है भौतिक शरीर, ये जन्म हुआ, फिर आस्ते आस्ते बढ़ता है, जन्म वृद्धि और स्थिति कुछ दिन रहेगा, 20-50-100 ज्यादा से ज्यादा, स्थिति और परिणाम, इससे बच्चा होता बहुत कुछ पैदा होगा, परिणाम, फिर अपक्षय, बुढ़ापे आ जाएंगे, क्षय होगा, क्षय होते होते एक दिन खत्म। ये शरीर का पांचों होती शरीर का ये नियम है, चाहे अपना शरीर लीजिए, चाहे हाथी का शरीर लीजिए, चाहे जगत का शरीर लीजिए, ये सब चीज एक ही नियम से, जन्म स्थिति परिणाम वृद्धि अपक्षय ना। परंतु जीवात्मा जो है अविनाशी तू तद वृद्धि, वो अविनाशी, ये मूर्ख लोग नहीं समझता, वो समझता है कि शरीर नाश हो गया, सब नाश हो और कुछ नहीं, सब खत्म हो, नहीं सब खत्म नहीं होता। जीवात्मा ना वो फिर अलग शरीर लेता अपना कर्म का अनुसार, ये मूर्ख लोग नहीं थे, और समझना कोई मुश्किल भी नहीं है, भगवान कहते हैं, इसको समझा रहे हैं कि देही नस्मिन यथा देही कौमान जौवन जरा तथा देहांतरंग प्राप्ति धीर सत्व नमी अति, ये समझ में कोई देर नहीं लगता कि देही नस्मिन यथा देही, ये शरीर में, ये जो हमारा शरीर है, आपका शरीर है, पहले बहुत छोटा था, फिर वो छोटा शरीर थोड़ा और कुछ बढ़ गया, कुछ और बढ़ गया, बालक का शरीर हो गया, फिर शरीर तो पलट गया, वो छोटा शरीर मांस माँ का गर्भ से निकलता है वो तो नष्ट हो, फिर उससे थोड़ा बड़ा शरीर मिल गया, और उससे और थोड़ा बड़ा शरीर जो बन, उसी प्रकार मुझको तो ठीक ठीक मालूम है कि देखो कि मैं माँ का गोद में ऐसी छोटी शरीर में लेटा रहता था, हमको ख्याल, तो मैं जो हमारा ख्याल है, मैं नित्य वस्तु है, शरीर पलट गया, इसी प्रकार ये शरीर पलट जाएगा, मैं रह जाऊंगा, इसमें समझ में क्या दे बेटा, भगवान यही समझा रहे हैं, देह नस्मिन यथा देही कौमान जौवन जरा तथा देहांतरंग प्राप्ति, जैसे इसी जीवन में अनेक देह परिवर्तन होता है, इसी प्रकार ये शरीर परिवर्तन हो जाने से मैं नष्ट नहीं होता, न हन्नते हन्नमाने शरीर, शरीर नष्ट हो जाने से मैं जो है आत्मा वस्तु आत्म वस्तु मैं नष्ट नहीं होता। कि आजकल भौतिक सभ्यता में वो ये सब जानते भी नहीं, और जानने के लिए कुछ प्रयत्न भी नहीं करता है, और कोई अगर उसको समझाया जाए तो हंसी उड़ा दो, ऐसा मूर्ख हो वो क्या भगवत भजन करे, क्या तपस्या करेंगे, या उसको ज्ञान तो है ही नहीं। इसलिए कलयुग में साक्ष में यही बताया है, हरे नाम हरेर नाम इव केवल कलो नास्तिव 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 गति, जो दिमाग तो कलयुग में बहुत ही खराब है, मनल्या सुमंद मत, ये लोग समझते हमारा दिमाग तुम बढ़ गया, हम मोटर गाड़ी बना ले,
हाँ, कलि युग में दिमाग सब खराब है, नष्ट बुद्ध है। मंद्यास मंद मतयो मंद भाग्या अधिपद्युत, कलि युग का ये लक्षण है। एक तो मंद है, कुछ समझ से नहीं, मूर्ख है, और जो कुछ समझने के लिए प्रयत्न करता है तो उसका मत भी मंद है, वो एक मत निकाल दिया। देखो जी, मट्टी से ही चेतन पैदा है। अरे मट्टी से चेतन पैदा होता है तो लेबोरेटरी में क्यों नहीं बनाते है? एक चींटी तो बनाओ मट्टी से चेतन, बाकी अपना जिद करेंगे। बड़े बड़े सब डार्विन थ्योरी और ये थ्योरी से बड़े बड़े पाश्चात्य सब तथाकथित से विद्वान है, एक नंबर का मूर्ख है। ये मट्टी से चेतन बनाने से चाहते, ये संभव है नहीं। चेतन वस्तु अलग है। हाँ, इसे भगवान कहते हैं अपरायम इतस्तुअन्यान प्रकृति विधि में परा। ये जो भौतिक चीज है, भूमि अपर वायु, ये निकृष्ट प्रकृति है। अपरायम, इसका वैल्यू कम है, निकृष्ट, इंफीरियर क्वालिटी। तो अपरायम इतस्तु विधि में प्रकृति परा, इसका अलावा और एक प्रकृति है, वो परा प्रकृति, उत्कृष्ट। वो कौन चीज है? जीव भूत। ये जो जीवात्मा जीव भूत महाभाव जयदम धार्य तेज, ये जो प्रकृति परा प्रकृति जीव है, यही दुनिया को भोग कर रहे हैं। भोगता तो नहीं, भोग के लिए प्रयत्न करता। सब कोई चाहते हैं दुनिया का चीज हम खूब भोग करें, इसलिए कहते हैं। उनकी ज्ञान है, उनकी बुद्धि है, इसलिए उनको परा प्रकृति कहा जाए। तो जीव परा प्रकृति, जीव भी प्रकृति, बाकी परा प्रकृति, ये भूमि पांच भौतिक जो चीज है ये अपरा प्रकृति, और जीवात्मा जो है परा प्रकृति, बाकी प्रकृति पुरुष नहीं। पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता, और प्रकृति का अर्थ होता है भोग्या। तो भगवान पुरुष है, गोविंदम आदि पुरुषम, भगवान पुरुष। ये भगवान का ये परा प्रकृति अपरा प्रकृति जो कुछ है, ये सब भगवान का भोग्या, भगवान इसको भोग करेंगे। और जो जीव समझता है कि मैं भोगता हूं, इसका नाम ही है माया। और कुछ भगवान पुरुष है, और ये जरा प्रकृति और चित प्रकृति दोनों ही भगवान का भोग वस्तु है। तो हम लोग ये जब भूल जाते हैं कि भगवान कृष्ण भोक्ता है, और मैं जब भोक्ता बनने के लिए प्रयत्न करता हूं, उसका नाम है माया। वही माया का चक्र, जो चीज मैं है नहीं उसको यानी कृत्रिम भाव से आर्टिफिशियली वी आर ट्राइंग टू डू, दैट इज कॉल्ड माया। वी आर नॉट भोक्ता, भोक्ता एकमात्र भोक्ता भगवान, भोक्ता हम जगदवसाम सर्वलोको महेश्वरम। तो भगवान तो सर्वलोको महेश्वरम, क्योंकि भगवान की प्रकृति से जो कुछ है दुनिया में सब कुछ बनी हुई है। दुनिया में है क्या चीज? एक भूमि रपान और वायु, इसको मिला मुला करके एक चीज खड़ा कर देते हैं बस। तो वो तो भगवान का है, और आगे जाके भी भगवान बता देंगे, यह भी बताया है कि जीव है ये भी हमारी प्रकृति है। तो मैं भी भगवान का और दुनिया भी भगवान का है, तो हमारा उचित क्या है? जो भगवान जिस तरह से हमको भोग कर सके, उस काम में लग जाने से ही हमारी मुक्ति। मुक्ति का अर्थ यही होता है कि स्वरूपे न अवस्थिति मुक्ति हित्या अन्यथा रूपम। ये जो हम प्रकृति है,
अब पुरुष होने का लिए जो हम प्रयास करते हैं यही हमारा बंधन का कारण माया। और यदि मैं प्रकृति प्रकृति रूप से भगवान की भोगा हो जाते हैं तो उसका नाम है मुक्ति। और मुक्ति और कुछ नहीं, स्वरूप में अवस्थित न। जब मैं प्रकृति हूं तो भगवान पुरुष है तो मैं भगवान की भोग्या। इसलिए भगवान जिस तरह से हमको भोग करने को चाहे, जिस तरह से हमको हुकुम करे, उस प्रकार हम काम करे तो भाई हमारा वो मुक्ति है और कुछ नहीं। मुक्ति कोई अलग चीज नहीं है। थोड़ा समझ देखी कि अपरायम इतस्तु अन्यांग प्रकृति में विधि में परा जीव भूतांग महाबाहो जयदम धार जो तेज। ये जो जीव है, जीव प्रकृति, बाकी पुरुष होने पुरुष का नकल करके ये दुनिया में भोग करने को चाहते हैं, इसलिए ये इतना झगड़ा। आपका आर्थिक झगड़ा का कारण क्या? या आप भी प्रकृति, मैं भी प्रकृति, भगवान की भोग्या वस्तु, परंतु माया जाल में फंस करके मैं भी पुरुष होने को चाहता हूं, आप भी पुरुष होने को चाहते हैं, इसलिए आपसे हमसे झगड़ा। और यदि उभय हम लोग दोनों ही समझ जाए कि भाई हम तो भोग नहीं कर सकते हैं, आप भी भोग नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपसे हमसे झगड़ा क्या? जो भोग्य वस्तु भोग्या जो भोगता है वो तो भगवान है, इसलिए आप और हम सब मिलकर के भगवान को सेवा में लग जाए तो फिर झगड़ा का कोई बात ही नहीं। ये सब समझते नहीं, इसलिए भगवद गीता अच्छी तरह से समझना चाहिए। और समझ करके जैसे यदि हम लोग अपना जीवन में इसी प्रकार काम करेंगे तो शांति है, तभी शांति मिलेगी। भगवान खुद कहते हैं भोक्तारं गद्गदवसां सर्वलोक महेश्वरं श्रीदं सर्वभूतानां ज्ञात्या मां शांति। अगर शांति चाहते तो इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि भोक्ता है भगवान और हम लोग भोग्या। ये एक चीज अगर हम लोग समझ जाए, भोक्ता रम जगता हो भगवान भोक्त्या सर्वलोक मास्टर, और सब जितने लोक है, ये जो एक लोक है पृथ्वी लोक है, भूलोक है, भूवन लोक है, जन लोक है, महलोक है, कपल लोक है, अनंत कोटि लोक है। तो भगवान कहते हैं जो भोक्तारम जगदवसाम सर्वलोको महेश्वरम, सब लोक का मालिक मैं हूं। यदि भगवान सब लोक का मालिक हुआ और फिर हमारा भोग्य वस्तु क्या रह गया? ये समझ सकते। इसलिए भगवत भक्ति जो कृष्णा भावना मिलता कि दुनिया में प्रचार करने की बहुत आवश्यकता है। आदमी सब भूल से चल रहा है, वो जानते ही झूठ मोट लड़ाई झगड़ा अशांति ये सब बनाए हुए हैं और सब समय दुखी है। अब जब कृष्ण कॉन्शियस हो जाए, जब कृष्ण को मान ले जो कृष्ण तो भगवान स्वयं मैं उनको सेवा, तो किसी भी अवस्था में उचित ही रहे, किसी भी अवस्था, कोई भी अवस्था। ये बात नहीं है जो धन रहने से ही सुखी रहेंगे और धन नहीं रहने से दुखी रहेंगे, ये बात नहीं है। हम लोग सब किस्म का आदमी से मिलता जुलता हो, बड़े बड़े धनी से भी मिलता हूं तो वो भी दुखी है। सब आप लोग सब जानते हैं, सभी दुखी है। क्यों दुखी है? वो अपनी जो परिस्थिति है, जो वास्तविक जो जो उनका स्वरूप है वो भूल गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव का जो स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, नित्य का ये नहीं है आज दास बन करके भगवत भक्ति करे कल खुद ही भगवान हो जाए, नहीं ये बात नहीं है। नित्य दास, आज भी दास और मुक्ति होने का पश्चात भी दास। बाकी वो जो दास है वो स्वरूप है, और ये जो दास है ये विरूप है। दास मैं है परंतु मैं समझता हूं कि मैं मालिक। सब कोई दास है। हम जितने आप लोग इधर बैठे हुए हैं
देखिए कोई मालिक है, सब दास है। कोई दुकानदारी का दास है, कोई गवर्नमेंट सर्विस का दास है, कोई औरत का दास है, कोई मिनिस्टर का दास है, वो मिनिस्टर भी दास है, वो यानी जो कोई हो सब कोई दास है। अभी गवर्नर जो वो भी दास है, वो नेशन का दास है, उसको अगर वोट नहीं दिया जाए तो उसका नौकरी छूट जाए, तो सभी दास है। बाकी सब मानते हैं मैं मान, इसका नाम है मान। और कुछ कोई भी व्यक्ति हो तो दास है। बाकी वो भगवत दास स्वीकार नहीं करेंगे, वो लोक का दास हो जाएगा, नेशन का दास हो जाएगा, घर में परिवार का दास हो जाएगा, और कुछ नहीं तो कुत्ता का दास हो जाएगा, घोड़ा का दास हो जाएगा, बाकी भगवान का दास बात यही हो। दास वो है, दास उनको रहने ही पड़े। जैसा हम लोग सिविल डिसोबीडियंस किया था, आप लोग को मालूम है कि वहां गवर्नमेंट को नहीं मानता, तो गवर्नमेंट को मानता नहीं, सब पकड़ पकड़ के सब जेल में भर्ती कर दिया, और उधर खूब पीटा गया है। तो दास नहीं मानते, गवर्नमेंट को नहीं मानते, आप ये रूल से मानो। जैसा होता है साधारण एग्जाम्पल, तो और एक खुशी से गवर्नमेंट का कानून मानकर हम लोग चले, तो जबरदस्ती पुलिस का हाथ में मिलिट्री का हाथ मांग तो जाने नहीं। इसी प्रकार दास जीव का स्वरूप है दास, जब वो भगवान से विरोध करके वो कहते हैं नहीं दास नहीं है मैं मालिक, उस समय माया उसको पकड़ करके अच्छी तरह से उनका जो माया का हाथ में जो त्रिशूल है खूब अच्छी तरह से उनको सजा दे। वो त्रिशूल का नाम है त्रिताप यंत्रणा, तीन प्रकार के ताप, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको वो समझता है, जो मैं तो सब दुख नहीं चाहता हूं, क्यों इस तीन प्रकार के दुख हमारा ऊपर सब समय जबरदस्त बैठ जाता है, ये मनुष्य जीवन का काम है। जैसे सनातन गोस्वामी जाकर के चैतन्य महापुरुष से पूछा था के आमी कैनो मोरे जापे तापो त्र, महाराज आपके पास है तो गुरु का पास जाकर के यही पूछना, वास्तविक हमारा स्वरूप क्या, और मैं तो दुनिया का कुछ दुख नहीं चाहता हूं, क्यों हमारा ऊपर दुख जबरदस्ती बढ़ जाए, यही पूछना। ये गुरु गुरुकरण का अर्थ होता है जिसको समाधान कर। जैसे अर्जुन, अर्जुन पहले भगवान कृष्ण से मित्रता हिसाब से बातचीत कर रहा, जब उसको समाधान नहीं हुआ तो कृष्ण को गुरु माना, शिष्य से हम साधिमान प्रपन्नम, जो आपको मैं शिष्य बन जाता हूं, आप हमको उपदेश दीजिए, जिस तरह से ये जो हमारा चंचल मन हो गया, लड़ाई क्षेत्र में आकर के हम लड़ाई करने को नहीं चाहता, तो उसका तू, इसलिए भगवान तो गीता समझा। इसी प्रकार हम लोग को समझना चाहिए कि मैं तो दुख नहीं चाहता हूं, अब किधर से कौन दुख भेज देता है जो कि जबरदस्ती हमको भोगने पड़ता, इसका समाधान क्या, ये जब प्रश्न होगा फिर आस्ते आस्ते वो भगवान का प्रश्न भी आएगा, भगवान से हमारा क्या संपर्क है वो भी समाधान होगा, फिर भगवान का सेवा में लग जाने से हमारा सब दुख मिट जाएगा। इसलिए कलयुग में वो भगवत प्राप्ति के लिए एक ही उपाय है, बड़ा सरल उपाय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम